Uh, so hello everyone. I welcome you all to uh, uh, UIS. So we are going to discuss topic Sunday का जो session होता है उसका थोड़ा सा time flexible रहता है और uh, आज जो हम लोग topic discuss करेंगे these are the topics science and tech का special the Hindu publish होता है Sunday को तो यहाँ पे आपको देखना है कि uh, these are the topics that we are going to discuss. The first is uh, black coral, the idea of black coral. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट बेसिकली इज ब्लैक कोरल एंड ऑल ब्लैक कोरल के बारे में एंड आल्सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्ट सॉफ्ट एंड हार्ड कोरल दोनों में अंतर क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे है ना संडे का जो स्पेशल इशू साइंस टेक का आता है साइंस टेक का स्पेशल इशू आता है तो दैट वी डिस्कस अच्छे टॉपिक्स होते हैं इसमें आपको प्रिलिम्स के क्वेश्चन काफी अधिक मिल जाएंगे इवन इस बार का जो एंटीजन एंटीबॉडी वाला प्रश्न था कोरोना वायरस के कंटेस्ट वो इन्ही सेशन से होने वाला है ठीक है तो यहां पे ये है दूसरा आपको मिजल्स के बारे में ये का फ्रेम होगा के बारे में नैनो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसकी जो वर्किंग है ये पूछेंगे लाइक वी विल डिस्कस लाइक इस साल अगर आप मेन्स में देखोगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी की बात की जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी की जो बात की जाए तो वहां पर वी कैन स्टेट दिस पॉइंट कि एंटीजन और एंटीबॉडी बेसिकली इनका किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है इस बार प्रश्न भी इस बार पूछा गया था तो ये जो नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है ना, लिपिड नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है ये किस तरीके से काम करती है फिर द आइडिया ऑफ लीब सेकेंड लीब सेकेंड क्या है फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में साइंस टेक का ये भी टॉपिक आप करता है फिर लेप्रोसी जेम्स वेब टेलीस्कोप देखो इस बार मेन्स में ये वाला प्रश्न आया था और वैक्सीन के बारे में दो प्रश्न इसी सेशन से आपको दो प्रश्न मिल गए मतलब पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था जेम्स वेब टेलीस्कोप आई थिंक थर्टीन जुलाई 2022 के टाइम पे हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ट एड अब ये सारे टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग तो टू डिस्कस तो जल्दी से यू कैन शेयर द सेशन बिकॉज आप में से बहुत लोगों को शायद लाइक टाइमिंग आई हैव इन्फॉर्म कि हमारा नौ बजे सेशन स्टार्ट होगा ठीक है और बाकी समय थोड़ा सा लाइक आठ बजे एट ओ क्लाक के आसपास का जो टाइम पीरियड है रहेगा संडे को थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है हल्का सा तो जल्दी से आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो सो दैट एवरी वन कैन बी अवेयर ऑफ किस सेशन हैज़ स्टार्टेड ठीक है सो so लेट्स तो यहाँ पे एन पे पर हम उससे जुड़ सकते हो दिसंबर का जो कोर्स है दिसंबर के उसमें स्टार्ट हो जाएगा करंट अफेयर्स का तो आप वो कर सकते हो और अभी बहुत अल्टीमेट बैच कोर्सेज जो हैं सिक्स मंथ एटीन मंथ्स के लॉन्च हो रहे हैं हिंदी इंग्लिश बाय तो सारे बैच कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो तो अकेडमी डॉट कॉम में जाओ यूपीएससी सेलेक्ट करो कोड डाल दो तो आप मेरे कोर्सेस कर पाओगे साथ में सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो ठीक है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहां पे जाके आप कर सकते हो सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट व्हाट आर ब्लैक कोरल्स तो यहाँ पे देखोगे साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल्स नियर ऑस्ट्रेलिया तो देखो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली वेन यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपका यू हैव अ ग्रेट बैरियर रीफ ठीक है आपके पास ग्रेट बैरियर रीफ है अब देखो जनरली क्या होता है कि जैसे वेन यू टॉक अबाउट द कोरल्स ठीक है वेन यू टॉक अबाउट द कोरल्स कोरल्स जनरली अगर आप देखोगे तो कोरल्स में क्या होता है यू हैवे जू जेंथली एलगी यू है जू जेंथली एल्गी एल्गी होती है जैसे मान लो ये आपका कोरल है कोरल जो ऑर्गेजम उसको पॉलिप बोलते हैं ठीक है और उसके ऊपर ऐसे 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 होता है इसको बोलते हैं जू स्ट्रक्चर बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है ठीक है स्ट्रक्चर जो आपका है दैट इज ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर आपका किसका बनता है इट इज ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे जैसे ये कोरल्स होते हैं जनरली एक सर्टेन डेप्थ के अंदर कोरल्स आपके पाए जाते हैं तो यही कोरल्स बार में बाद में ऐसे एक कोरल मरता है फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा इस टाइप से कोरल्स ऐसे जुड़ते जाते हैं और देन दे फॉर्म अ रीफ इस तरीके से वो रीफ का फॉर्मेशन करते हैं बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम करते हैं ठीक है तो रीफ का फॉर्मेशन आपका उसके बाद से होता है तो यहाँ पे क्या है कि अभी क्या है कि साइंटिस्ट ने न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल्स जो है वो आपके आइडेंटिफाई किए हैं तो आ, जैसे अगर देखा जाए ब्लैक कोरल्स की बात करें तो इन्हें एंटी पैथेरियंस uh, भी कहते हैं ब्लैक कोरल्स को या थॉर्न कोरल्स भी इनको ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये सॉफ्ट डीप वाटर कोरल है सॉफ्ट कोरल्स के आगे डिस्कस करेंगे तो मतलब देखो ये क्या है डीप वाटर मतलब डेप्थ में पाए जाते हैं और सॉफ्ट कोरल्स होते हैं ये सॉफ्ट कोरल सॉफ्ट कोरल्स में जनरली क्या होता है कि जैसे जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है वो इतना नहीं होता है सॉफ्ट कोरल्स की जब हम बात करते हैं और ये रीफ का फॉर्मेशन नहीं होते मतलब कॉलोनीज में तो रहेंगे बट रीफ का फॉर्मेशन नहीं करेंगे मतलब अगर आप नॉर्मल जो कोरल्स देखोगे वो क्या करता है अगर मरेगा और उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज मेड ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट तो काफी समय तक जो है ये एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बनता है और फर्दर ये ज्वाइन करते करते रीफ का फॉर्मेशन आपका करता है लेकिन वेन यू टॉक अबाउट द सॉफ्ट कोरल सॉफ्ट कोरल में ये जो आपके कोरल्स हैं है ना जो ये कोरल्स हैं ये आपके लाइमस्टोन एंड ऑल इससे या कैल्शियम कार्बोनेट से बने नहीं होते हैं कॉलोनीज में रहेंगे लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्ट्रक्चर नहीं होते हैं सो so ये अगर देखा जाए तो ये जो ब्लैक कोरल्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये जेट ब्लैक और डार्क ब्राउन इनका कलर स्केल यहां पे अगर आप देखोगे

ठीक है सो ये आपको याद रखना कि ब्लैक ब्लैक कोरल के बारे में स्पेसिफिक आस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना है सो दीज एंटीपैथरियंस आर अ कॉस्मोपोलिटन ऑर्डर एग्जिस्टिंग एट नियरली एवरी लोकेशन डेप ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं कुछ जो ब्रैकिश वाटर वहां नहीं पाए जाते हैं ब्रैकिश वाटर जहां पे वी कैन से जैसे आ, जो आपका आ, रिवर का और जैसे मान लो ये आपका फॉर एग्जाम्पल समुद्र है और ये पानी आपका अलग हो जाता है और वी कैन से जो रिवर का पानी है वो आके मिलता है तो ये ब्रैकिश वाटर के अलावा और सारी जगह पे और सारी जगह पे पेरल्स आपके पाए जाते हैं पा, फाइव न्यू स्पीसीज है ब्लैक की जो आपकी पाई गई है लगभग इतने डेप्थ में जो कि बहुत बड़ा डेप्थ लाइक सेवन सिक्सटी मीटर डेप्थ में आपकी पाई गई देखो जब इतने डेप्थ में अगर कोई कोरल्स पाए जाते हैं तो दो दे कैन नॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोरल्स की बात करो तो इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको हम जू जेंथली बोलते हैं ये जो एल्गी होते हैं उनको जू जिस शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं और ये क्या करती है फोटोसिंथिस करती है फोटोसिंथिस के लिए किसकी जरूरत होती है सूरज की जरूरत होती है सन तो सन का इस्तेमाल मतलब सन की रोशनी के थ्रू फोटो होता है अब ये क्योंकि इतने डेप्थ में है डीप कोरल्स हैं सॉफ्ट कोरल्स हैं सो इट सिंपली सेस कि ये जो एल्गीज हैं बहुत ही कम होंगी या नहीं ही होंगी और ये फोटोसिंथेसिस हार्डली कर पाएंगे तो इनका जो मैकेनिज्म है जो खाने का तरीका है वो कैसा जनरली होता है वो है फिल्टर फीडर जनरली साल पिछले साल आया था, एक, आया था फिल्टर फीडर. फिल्टर फीडर क्या होता है जैसे अगर आप देखोगे मैं आपको तो दिखा देता हूँ फिल्टर फीडर जैसे ये जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म देखो ये जो फिल्टर फीडर है वो कैसे करता है generally, when you talk about the filter फिल्टर फीडर दिस फिल्टर फीडर जैसे ये जैसे चाय है चाय अगर आप बनाते हो तो एक एक आपके पास वो उसको छानने के लिए होता है ना तो आपने चाय डाली बाकी चीज़ें कंटेंट बाहर हो जाती है तो ऐसे ही इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो वाटर है वाटर के अंदर अगर जो भी कुछ न्यूट्रिएंट एस्पेक्ट है वो ये कंज्यूम कर लेता है ऐसा फिल्टर इनके रहता है कि जनरली जैसे ही वो जो आपका वाटर है इनके शरीर से पास होगा और जो भी कंटेंट है जो कि कंज्यूम किया जा सकता है जो कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो अलग से फिल्टर हो जाता है वो फिल्टर हो जाता है और जब वो फिल्टर हो जाता है बेसिकली देन इट कैन बी यूज एज अ सोर्स न्यूट्रिएंट्स के लिए और इन सब के लिए जो है वो इस्तेमाल आपका किया जाता है जनरली वो यूज होता है तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फिल्टर फीडर बनना बोलते हैं जैसे बहुत सारे आपकी कई कुछ बैलिन वेल्स हैं कुछ फिशेस हैं और ये भी आपको याद रखना है कि जो ब्लैक कोरल है जिसकी कई स्पीसीज पाई गई हैं वो बेसिकली क्या है दे आर ऑल्सो फिल्टर फीडर्स दे आर ऑल्सो फिल्टर फीडर्स ये भी क्या है दे आर ऑल्सो फिल्टर फीडर ये क्या है दे आर ऑल्सो फिल्टर फीडर ये एक फिल्टर फीडर की तरह से ही होता है आपका यह ध्यान में रखना है दूसरा पॉइंट आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्ड एंड सॉफ्ट कोरल तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हार्ड कोरल है इसको ये टेक्निकल स्टोनी कोरल्स यानियंस शब्द इनके लिए इस्तेमाल करते हैं तो इनका बहुत जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत हड्डी की तरह ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसी के ऊपर फिर एल्गमीज है वो ग्रो आपकी होती है ये ये पॉइंट आपके याद रखना ये जैसे दे फॉर्म अ क्रिस्टल फॉर्म्स कॉल्ड एरेगोनाइट ये भी आपको याद रखना है कि लाइक फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इन क्रिस्टल्स फॉर्म मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऐसे ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाते हैं ऐसे ऐसे मान लो और इनके लिए टेक्निकल शब्द भी इस्तेमाल होता है ये जो क्रिस्टल्स होते हैं एरगानोनाइट एर्गोनाइट uh, अर्गो, शब्द इनके लिए इस्तेमाल होता है तो ये आपको याद रखना कि ये क्या होते हैं

इस्तेमाल uh, किया जाता है वाई वी यू टॉक अबाउट द सॉफ्ट कोरल्स इन ऑल्सो टिपिक हैं ये आपको बस याद रखना है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्ड कोरल एंड सॉफ्ट कोरल इज वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है जो कैल्शियम uh, कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनते हैं वो सॉफ्ट कोरल के कंटेक्स में नहीं होते हैं देर आर देर इज नो सच क्रिस्टल्स इन केस ऑफ अ सॉफ्ट कोरल सॉफ्ट कोरल के कंटेक्स में ऐसे क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके नहीं होते हैं There is no such crystals, जब आप बात करते हैं सॉफ्ट कोरल्स की और ये जो कोरल, सॉफ्ट कोरल्स होते हैं जनरली थोड़ा डेप्थ में पाए जाते हैं। लाइक ब्लैक कोरल्स जो हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ ए डीप सॉफ्ट कोरल्स ठीक है तो ब्लैक जो ब्लैक कोरल्स हैं दीज ब्लैक कोरल्स बेसिकली दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ वी कैन से डीप सॉफ्ट कोरल्स ये कॉलोनियल आस्पेक्ट में रहता है कॉलोनीज में रहते हैं कॉलोनियल्स एंड सिंगल लार्ज ऑर्गेनिज्म कॉलोनी ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक बड़ा ऑर्गेनिजम होगा ऐसा देखने में लगा कि एक बड़ा सा है बट उसमें छोटे छोटे बहुत सारे ये जो सॉफ्ट कोरल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सो दिस इज दिस इज द वे जिस तरीके से जो सॉफ्ट कोरल्स हैं वो आपके रहते हैं तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना तो क्या क्या चीजें इसमें देखो ये छोटा सा आ आर्टिकल है तो इस इसपे हमें जैसे हमें अगर ब्लैक जो ब्लैक हैं उनकी कई सारी स्पीसीज हमको मिल गई अब ब्लैक ब्लैक कोरल्स के बारे में जानना है कि व्हाट बेसिकली इज अ ब्लैक देन वी शुड आल्सो नो व्हाट इज द फिल्टर फीडर जो डिस्कस किया हमने देन आल्सो वी शुड नो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्ड कोरल एंड द सॉफ्ट कोरल हार्ड कोरल कोरल सॉफ्ट के बीच का अंतर क्या है बेसिकली अगर हम ये चीज समझ लेते हैं तो देन आवर जॉब इज डन मतलब अब फिर इस पे कोई प्रश्न नहीं बनेगा नेक्स्ट देखते हैं मिजल्स के बारे में मुंबई मिजल्स आउटब्रेक ड्यू टू लो वैक्सीनेशन कवरेज अब इन्होंने बताया है कि कितना क्या है कैसा क्या है यह हमको नहीं करना है ठीक है ये नहीं है बट हां यहां पे अगेन हेल्थ आस्पेक्ट से रिलेटेड आपके लिए जो प्रश्न दैट क्वेश्चन कैन बी फ्रेंड जो हेल्थ है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है दैट क्वेश्चन कैन बी ऑफ्रेम अच्छा 9 पीएम को आई विल अपलोड टुडे रात के टाइम पे जो मेंस का मॉक है That I am going to upload, तो आप उसको थोड़ा सा करना जो भी वीक अंदर आपका का हुआ है उसी पर बेस्ड आपका मेन्स के क्वेश्चन होंगे ठीक है तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है टाइम बाउंड मैनर में लाइक सिक्स सेवन क्वेश्चन होंगे तो आप लोग जितने भी हैं जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं सेशन को रेगुलर देख रहे हैं तो उस सेशन को जरूर से उसका जो आंसर राइटिंग वो करना है उसको ऐसा इग्नोर नहीं करना है आंसर राइटिंग को ऐसा लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है कि चलो बाद में कर लेंगे या ऐसा हर वीक में आई प्रोवाइड यू मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मेंस के क्वेश्चन लास्ट थ्री वीक्स के आपको आपको प्ले में जाओगे आपको मिल जाएंगे आंसर राइटिंग वाली प्ले है उस पर यू विल गेट तो वहां पर जो प्ले है उस प्ले को आपको जाना है और uh, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बिकॉज जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना You know कि अच्छा मैं ये जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग वट काइ ऑफ क्वेश्चन प्रश्न बन सकते हैं कैसे हम आंसर कर सकते हैं कैसे नहीं करते दैट वी शुड नो तो, तो उसके लिए थोड़ा सा तो क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं मिजल्स के बारे में तो मुंबई मिजल्स आउटब्रेक डू टू लो वैक्सीनेशन कवरेज तो जो मुंबई है मुंबई के अंदर जो मिजल्स की बीमारी है वो आपकी फैली है और लो वैक्सीन कवरेज मतलब अगर इसका वैक्सीन अगर कवरेज होता तो जो आउटब्रेक है दैट वो वॉप कल होता अब हमें जो एक पॉइंट ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है दैट इज कि ये जो डिजीज है जैसे मिजल्स आई थिंक आप सभी को पता होगा इफ यू कैन सी द पिक्चर हियर ये मिजल्स हैं बच्चों में हो सकते हैं ये तो वैक्सीनेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन पे हमको फोकस करना चाहिए तो यहाँ पे एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जनरली जैसे जनरली अब देखोगे ना कई बार लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो जो वायरल इन्फेक्शन लाइक दीज आर कॉज बाय द वायरल इन्फेक्शन लाइक की ये जो डिजीज़ है वेदर इट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया और इट इज कॉज बाय द वायरस किसकी वजह से कॉज होता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर मिजल लाइक दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरल वायरस की वजह से आपका होता है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जैसे कोई किसी को मिजल्स है किसी ने कफिंग स्नीचिंग किया तो सामने वाले को भी हो जाएगा अब इसमें आप कह सकते हैं कि इस टाइप के कुछ आपके सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स तो याद नहीं रहेंगे देन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी वजह से जैसे अगर वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन की वजह से हम इससे बच सकते हैं अगर आप देखोगे तो अभी दो तीन साल जो है दो तीन साल आ, आप कह सकते हैं कि आ, पहले क्वेश्चन भी आता है हेपेटाइटिस 2019 के आसपास क्वेश्चन था हेपेटाइटिस के ऊपर तो उसमें इफ़ यूल सी हेपेटाइटिस के ऊपर प्रश्न था और उसमें था कि, कि इसमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं तो एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर हुई कुछ जो की पॉइंट्स हैं वो इस पर दो तरीके के प्रश्न फ्रेम हो जाते हैं एक तो ये बनता है कि, कि ये जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से कॉज होता है ये बहुत बार प्रश्न पूछा अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न पी आई करते हो तो ये जो डिजीज़ है किसकी वजह से होता है वेदर इट कॉज बाय बैक्टेरिया और इट इज़ कॉज बाय वायरस और किसी और की वजह से तो वो हमको पता होना चाहिए कि वो बेसिकली किसकी वजह से आपका होता है तो यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है दूसरा टॉपिक देखते हैं। लिपिड वैक्सीन फंक्शनिंग ऑफ द एम आर एन ए बेस्ड वैक्सीन ठीक है आ, mRNA vaccine, इसकी काम के बारे में जानना है एम आर बेस्ड जो वैक्सीन है उसके काम के बारे में हमको जानना है फिर वी शुड ऑल्सो नो अबाउट द इन्फ्लुएंजा ये सब के बारे में भी हमको जानना है तो वी विल डिस्कस इट इस बार का अगर आप मेंस का प्रश्न देखोगे ना द एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है उसके बारे में एंटीबॉडी है, है उनके के बारे में so how the antigen, antibody का इंटरेक्शन आपका रहता है आ, या वैक्सीन कैसे आपकी बनाई जाती है इस पर प्रश्न ऑलरेडी जो है ठीक है ऑलरेडी जो है प्रश्न आपका फ्रेम होता है तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एम आर एन ए बेस्ड जो वैक्सीन बेसिकली वेन यू टॉकउट क्या होती है ठीक है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट नई चीज है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें किस तरीके से काम करता है ये इस बार मेंस में भी प्रश्न था तो इसलिए हमको जानना चाहिए आप लोग जल्दी से, से, से को कर दो बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अबाउट द सेशन सो जल्दी से आप लोग शेयर कर सकते हो सो so, यहाँ पे देखो जो रिसर्चर्स है उन्होंने डेवलप किया एम आर एन ए लिपिड नैनो पार्टिकल वैक्सीन इसके लिए इन्फ्लुएंजा के अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझना है जो इन्फ्लुएंजा है ये जो अगर आप इन्फ्लुएंजा की बात करोगे दिस इन्फ्लुएंजा जिसमें नोज थ्रोट या फिर लंग्स की बात करें तो ये जो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है आ, उसका हिस्सा है और वी कैन से जो इन्फेक्शन है इनका कॉज होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा ठीक है तो इन्फ्लुएंजा को कॉमनली हम फ्लू भी कहते हैं और ये स्टमच फ्लू वायरस की तरह लाइक इट इज़ नॉट सेम एज जिसकी वजह से डायरिया और ये सब होता है तो यहाँ पे ये जो इन्फ्लुएंजा है इट इज़ अ वायरल डिजीज वायरस की वजह से होता है और थ्रोट थ्रूट अनऑल रेस्पिरेटरी एस्पेक्ट इससे अफेक्ट होता है अब इसमें देखो एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो वायरस होते हैं ना वायरस के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है अच्छा इसका रीजन क्या है कि वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जो वैक्सीन है वायरस के खिलाफ डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है इसके पीछे जो रीज़न सबसे बड़ा दिया जाता है वो रीज़न ये है कि जो वैक्सीन है वैक्सीन की वजह से जो वायरस लाइक वैक्सीन वायरस के खिलाफ डेवलप करना इतना मुश्किल है बिकॉज वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन हो सकते हैं जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में आपके कितने सारे स्ट्रेन आए ऐसे मान लो इन्फ्लुएंजा है इन्फ्लुएंजा के क्या है कि लगभग बीस स्ट्रेन मतलब इसके अलग एक वायरस है उस वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है फ्लू की बीमारी होती है उसके बीस प्रकार है तो अगर आप बीस चीजों के बीस का इक्कीस भी हो सकता है बाईस भी हो सकता है तो अगर आप वैक्सीन बनाओगे तो वैक्सीन कैसे बना पाओगे आप वैक्सीन बनाने के लिए किसी वायरस का इस्तेमाल ही आपको करना है इसी के कुछ कंटेंट का यूज करोगे शरीर में इंट्रोड्यूस होगा वो उसके खिलाफ शरीर हमारा एंटीबॉडी बनाएगा तो बॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी और फिर हम डिजीज से बच सकते हैं सिंपल सा मैकेनिज्म ये फॉलो होता है लेकिन बिकॉज दे हैव सो मैनी डिफरेंट स्ट्रेंथ इतने सारे स्ट्रेंथ्स हैं आपके देर आर सो मेनी स्ट्रेंथ आर देयर बिकॉज इतने सारे स्ट्रेंथ्स हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस आस्पेक्ट कि क्योंकि इतने सारे स्ट्रेंथ्स हैं आ, है ना क्योंकि इतने सारे जो स्ट्रेंथ होने की वजह से इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पाए या वैक्सीन बना पाए क्योंकि किसको किस कंटेंट को आप लोगे बिकॉज बीस है इक्कीस भी हो सकते हैं बाईस भी हो सकते हैं तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नैनो पार्टिकल लिपिड नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के कंटेक्ट में डेवलप की गई ऐसे कोरोना वायरस के, के केस में भी जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके और जो एम बेस्ड वैक्सीन है वो बनाई गई तो अब इसमें दो चीज आपके मन में आनी चाहिए ठीक है इसमें दो चीजें जो है हमारे मन में आना चाहिए ये थोड़ा सा देखना है ठीक है इसको इंटरेस्टिंग है ध्यान से समझना ठीक है तो यहाँ पे पहला जो आस्पेक्ट हमें जो है लाइक वी शुड बी अवेयर ऑफ पहली चीज जो हमको जाननी चाहिए कि अच्छा इसने एक शब्द इस्तेमाल किया है वो एम आर एन ए है ये क्या है ठीक है दूसरा इसने कहा कि एम आर एन ए बेस्ड वैक्सीन तो ये क्या है पहले डिस्कस किया बहुत बार बट ठीक है एम रिपीटिंग इट तीसरा दूसरा जो एक आस्पेक्ट मतलब नेक्स्ट जो आस्पेक्ट है कि अच्छा इसने एक शब्द इस्तेमाल किया है दैट इज लिपिड नैनो पार्टिकल्स लिपिड नाइनो पार्टिकल्स और फिर इसने लाइन एक लिख दी कि जो लिपिड नाइनो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से दे विल हेल्प इन दिस पर्टिकुलर एम आर एन ए बेस्ड वैक्सीन में लिपिड नाइनो पार्टिकल्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा मतलब इस वैक्सीन के केस में लिपिड नाइनो पार्टिकल का इस्तेमाल करो तो ये कंबाइंड चीज है जो हमको जानना है मैकेनिज्म इस इस प्रीलिम्स का का मेंस प्रश्न जैसे बार था ही तो पूछा जा सकता है अब इसको समझते हैं देखो क्या होता है कि जब आप एम आर एन ए शब्द का इस्तेमाल करते हो ना तो एम यहाँ पे क्या है वो मैसेंजर है ठीक है देखो क्या है कि जो आर होता है ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है जैसे हर शरीर के अंदर जैसे हमारे सेल्स हैं उसमें डीएनए होता है ऐसे कई सारे वायरस हैं उनमें आरएनए प्रेजेंट आपका होता।, होता है ये आरएनए किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये आरएनए प्रोटीन बनाने के काम आता है जैसे मान लो ये वायरस है वायरस के इधर ऊपर ये डंडा से लगे हुए हैं सो ये कौन सी प्रोटीन है दे आर कॉल्ड ए स्पाइक प्रोटीन इसको क्या कहते हैं वी कॉल इट ए स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस के केस में और ये क्या है ये प्रोटीन है जो भी प्रोटीन होती है उनसे रिलेटेड कोडिंग होती है तो वो कोडिंग कौन कैरी करता है वो एम करता है मतलब मैसेंजर आर एन बताता है कि देखो ये ये प्रोटीन ही तुम्हें प्रोड्यूस करना है ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस होगी तो एम आर बेसिकली वायरस जो बनता है वायरस का ऊपरी स्ट्रक्चर या अंदर का स्ट्रक्चर सारे स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि उसको स्टेबिलिटी देता है कि वायरस का पूरा शरीर जैसे हमारे शरीर पूरा बना हुआ है ऐसे वायरस का जो शरीर है उसका जो बना हुआ ऊपरी हिस्सा है वो प्रोटीन का बना होगा अंदर भी स्ट्रक्चर होगा उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगी अब ये कौन सी प्रोटीन होगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन एम में होती है जो मैसेंजर आ रहे हैं उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आखिर ये जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है अब इसी को हम यूज करते हैं और इसी एमआरएनए को हम वैक्सीन में यूज करते हैं तो यही प्रोटीन ली अब इस प्रोटीन के अंदर क्या है वो कोडिंग है मान लो ए बी सी डी कोई कोडिंग है अब यहां जैसे ही आपके शरीर में ये एमआरएन गया तो आपके शरीर में वो प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगी और वो प्रोटीन क्या एक्ट करेगी एक फॉरन पार्टिकल जिसको हम एंटीजन कहते हैं तो हमारा शरीर तुरंत जान जाएगा अरे यार ये तो प्रोटीन बाहर की आई हुई है और मतलब ये तो एंटीजन है क्योंकि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं कोई भी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको खत्म करना शुरू करना शुरू कर देता है तो इसी एंटीजन के खिलाफ क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन एंटर हो गई और ये प्रोटीन कौन सी इस वायरस की प्रोटीन है जो कि एंटीजन के रूप में काम करेगी मतलब फॉरन पार्टिकल के रूप में काम करेगी और इसी के खिलाफ जो है हमारा शरीर एक तरीके से जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप कर लेगा बॉडीज जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज बेसिकली आपका डेवलप कर लेगा धीरे धीरे करके जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज आपकी डेवलप हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पे क्या है फिर अगर फ्यूचर में हमारे शरीर के अंदर एंटर किया इसके खिलाफ ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज हम इसका खात्मा कर देंगे ये बेसिक मैकेनिज्म है जो कि फॉलो किया जाता है एम आर आई ने बेस्ड वैक्सीन के कंटेक्स में अब इसमें इसकी एंट्री हो गई कि लिपिड नैनो पार्टिकल देखो लिपिड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल इसमें <coughs> शब्द इस्तेमाल हो गया अब ये इसको इंटरेस्टिंग बना देता है कि अच्छा ये क्या है तो देखो नैनो पार्टिकल्स मतलब नैनो स्केल में कोई भी पार्टिकल है उसको एक नैनो स्केल में ले जाओ जो बहुत ही छोटा है नैनो स्केल में अगर आप किसी पार्टिकल को लेके जाते हो जो कि बहुत ही छोटा है ठीक है नैनो स्केल में अगर आप किसी पार्टिकल को ले जाओ जो कि बहुत ही छोटा है तो अब क्या है कि जब भी आप जब आप किसी चीज को ट्रांसफर करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि वायरस को निकाला ठीक है और जो है फेंक दिया और वायरस से प्रोटीन निकाली और ये लो और वो बन जाएगी ऐसा नहीं है आपको उस उस एन को ट्रांसफर करना पड़ेगा अब उसको ट्रांसफर कैसे करोगे ट्रांसफर करने के लिए आप जो ये लिपिड के कण है उसका इस्तेमाल करोगे उसमें आपने ये एम लगा दिया और उसके माध्यम से आपने वैक्सीन बनाई और यही लिपिड पार्टिकल्स आपके शरीर के अंदर एम लेकर जाएंगे और उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो लिपिड पार्टिकल लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं टैक्सी का काम कर रहे हैं आपके लिए कि ये जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां पे आपको कौन लेकर टैक्सी से जा रहे हो अपनी गाड़ी से जा रहे हो बाइक से जा रहे हो किसी से जा रहे हो यहां पर क्या है कि यहां पर एमआरएन को आपके शरीर के अंदर लेकर जाना है तो उसमें एक तरीका और भी और भी बहुत सारे तरीके हैं बट एक तरीका यह भी है कि दैट लिपिड नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं उनका इस्तेमाल आपका किया जाएगा ठीक है अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से तो प्लीज लेट बी नो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग ये क्योंकि इस बार देखो में में भी था, में भी था इसमें जो है प्रश्न जो है पूछे गए थे तो यहां पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना दीज आर दस्पेक्ट ऑफ दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ जैसे आप देखो ये लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं ये आपने इंट्रोड्यूस आरएनए किया यार एन हो गया ये लिपिड नैनो पार्टिकल्स से आप शरीर में डाल दिया आपके तो ये जो वैक्सीन बनेगी वो क्या होगी एमआरएन ए बेस्ड तो है बट इसमें लिपिड नैनो पार्टिकल का भी इस्तेमाल है कि लि लिपिड नैनो पार्टिकल अगर आपसे पूछे कि ये जो वैक्सीन है क्योंकि हाई लेवल प्रश्न आपके 2021 के अंदर भी थे चार प्रश्न वायरस के ऊपर थे और एडिनो वायरस के कंटेक्ट में भी देहावास तो क्वेश्चन तो यहां पे आपको ये देखना है कि जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं लिपिड नैनो पार्टिकल्स भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं लिपिड नैनो पार्टिकल्स भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल आपके किए जाते हैं यहां पे स्पेसिफिकली आप कह सकते हो जैसे जो वैक्टर बेस्ड वैक्सीन होती है आ, उसमें एडीनो वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जैसे एडीनो वायरस एक वेक्टर का, का काम करता है इसमें आप कोई कंपोनेंट मान लो एम आर ए नहीं डाल के और जो है आपके शरीर में इंट्रोड्यूस कर दो यहां पे आप वेक्टर का इस्तेमाल करके लिपिड नैनो पार्टिकल्स मतलब लिपिड जो है उसका लिपिड क्या है जैसे फैट लिपिड ये बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं आपके शरीर में ये प्रेजेंट है ठीक है तो बायो मॉलिक्यूल्स ये कहलाते हैं जैसे फैट है लिपिड है ये ऐसे ये बहुत सारे शरी, शरीर के अंदर आपका मेटाबॉलिक जो है फंक्शन के लिए भी हेल्प हुई अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और भी समझो ये मैंने आपको जब पढ़ाया था बहुत पहले तो ये आप समझो कि जो एडिनो वायरस है एडिनो वायरस क्या है ये भी बेसिकली आपके शरीर के अंदर जैसे कॉमन कोल्ड और ऐसी छोटी मोटी बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो ये क्या है कि कई बार जब ये एडिनो वायरस को आप वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हो वेक्टर के रूप में इस्तेमाल का मतलब ये हो गया कि जैसे अब जो है आप ये मानो कि कई बार आप देखोगे किसी रोड में जा रहे हो है ना उसमें बड़ा सा एक ऊपर लगा रहता है डंडा सा लगा रहेगा कि बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती छोटी गाड़ियां ही जा सकती हैं ठीक है तो आप ऐसे मानो कि एडिनो वायरस जो है एडिनो वायरस को वेक्टर के रूप में वैक्टर भी ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है तो आपने क्या किया कि एडिनो वायरस यूज किया एडिनो वायरस में आपने एम डाल दिया अब वो एडिनो वायरस के माध्यम से आपके शरीर के अंदर एम इंट्रोड्यूस होगा लेकिन क्या होता है हमारी बॉडी हमारा जो शरीर है दैट लाइक अवर बॉडी में नॉट एक्सेप्ट दैट एडिनो वायरस कई लोगों में क्या होता है एडिनो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी होती है तो जिस चीज को आप जो है चाहते हो कि ये मुझे लेकर जाए उसको ही अलाउड नहीं है रोड में एक बैरियर लगा दिया कि इससे बड़ी गाड़ियां जाएंगी नहीं तो आप क्या करोगे ट्रांसपोर्टेशन किसी काम तो ये बहुत रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते और वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अफेक्ट होती है इसको दूर करने के लिए लिपिड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो लिपिड हमारे शरीर में बहुत है लिपिड बायोमालिक्यूल्स जो एक प्रकार का है तो वो बहुत है तो उससे रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे तो अगर आपसे पूछे कि जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स मतलब ये जो है इनका एडवांटेज क्या है एडवांटेज क्या है तो यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट आई होप ये चीज आपको बहुत आसानी से जो है क्लियर हो गई होगी ठीक है जस्ट लेट मी नो एक बार कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि है कि नहीं देखो आप लोग का जिम्मेदारी है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का है ना ऐसा नहीं कि आप खाली सेशन देख रहे हो अब आप आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि आप सेशन को शेयर करें जिस भी ग्रुप में हो जहां भी हो सेशन को शेयर करें आ, है ना पी है वो भी आप चाहो तो शेयर कर सकते हो कोशिश करनी है कि रेगुलर बेसिस में सेशन देखना है लाइव सेशन देखना है ये सब बातों का आपको ध्यान में रखना है ठीक है और एक चीज़ हमेशा ये भी याद रखनी है कि मैंने आपको कहा है कि अपना अटेंडेंस आप दिया करो कैसे दोगे जैसे आपको अपना नाम बताना है आप किस समय सेशन जो है लेते हो आपको ये रेगुलरिटी मेंटेन करें अगर आप आठ बजे देखते हो तो आठ बजे लिखो जिस समय देखते हो वो आपको इंश्योर करना है कि मैं हमेशा अपने सेशन को उसी समय दे ऐसा नहीं आज आज बारह बजे देख रहे हो कल देख रहा हो चार दिन नहीं देख रहे हो

उसमें इतना कंजूसी करने का क्या जरूरत है ठीक है पहले मैं आपको नहीं कहता था बट अगेन बिकॉज दिस इज अ न्यू चैनल और यूट्यूब का अलग जो है अलग तरीके से कार्य करता है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सेशन लाइव देख रहे हो तो आपको ऐसा यूट्यूब अभी ऐसा ऐसा एक अंगूठा बना होगा उस पर दबा दो क्या जाएगा उसमें ठीक है इट विल टेक लेस देन वन एक सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसा दबाना ही तो होता है तो अगर आप चार हजार लोग भी देखते हो तो चार हजार लाइक क्यों नहीं हो सकते ठीक है अगर आप सेशन रेगुलर बेसिस में देख रहे हो तो क्यों नहीं हो सकते ये तो तो ये थोड़ी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी, थोड़ी चीजें हैं करना चाहिए आप लोग को और जरूर से करो है ना आज एटलीस्ट जो है टू थाउजेंड लोग को लाइक करना चाहिए और अराउंड आप सभी जितने लोग हैं उनको सबको अपना अटेंडेंस देना है जितने लोग भी आप लोग देखते हो सब अटेंडेंस दो एटलीस्ट ये ब... अगर नाम नहीं बताना चाह रहे हो मत बताओ बट यू हैव टू मेंशन कि अच्छा इस समय मैं अपने सेशन को अटेंड करता हूं ये आपको लिखना है चलो so नेक्स्ट देखते हैं लीप सेकेंड्स के बारे में ये भी टॉपिक है लीप सेकेंड्स टू बी रिमूड फ्रॉम ऑफिशियल क्लॉक फ्रॉम ट्वेंटी

जो सोलर टाइम है सोलर टाइम का मतलब होता है जैसे जो एक टाइम हमारी अर्थ है अर्थ मान लो रोटेट करने में कितना समय लेती है इस तरीके से अर्थ कितना टाइम ले रही है, तो अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ सर्टन चेंजेस जो अर्थ है उसके रोटेशन में भी स्लोनेस आ रही है तो जनरली हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जनरली क्या है कि जैसे इस रोटेशन में चेंजेस आ रहे हैं धीरे दिर धीरे अर्थ के रोटेशन में तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम कुछ सेकंड ऐड कर देते हैं जिससे हमारा वो प्रिसाइज रहे हम जो टाइम फॉलो कर रहे हैं पहले से ही तो हम अपने कंफर्ट के लिए वी थिंक कि ठीक है एक सेकंड ऐड कर देते हैं तो जिससे कि एक एक जो एक, एक सिमिलरिटी बनी रहे एक सेकंड जो है ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या है बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ द लीप सेकेंड जो सोलर टाइम है और आपका जो जो टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस है वो ना रहे इसलिए लिप सेकेंड ऐड करते हैं

एक तरीके से आ, आ, उसको हम आ, एक एक तरीके से सिंक्रोनाइज़ करते हैं और उसके लिए इन्होंने जो है कहा कि अब 2035 से लिफ सेकेंड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वी विल नॉट पुट वन सेकेंड एक्स्ट्रा जस्ट है ना मतलब आ, कि एक एक्यूरेसी जो है वो आपकी ब, आ, बनी रहे तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्वेंटी में ये चीज की जाएगी नेक्स्ट देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप इस बार भी अगर आप मेन्स में देखोगे ना तो स में जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में था हमने पहले भी डिस्कस किया था तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑफर ग्लिम्स ऑफ द अर्ली यूनिवर्स ठीक है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो अर्ली uh, यूनिवर्स का ग्लिम्स ऑफर करता है अब इसमें इन्होंने बताया कि, uh, कि पहले कैसे यूनिवर्स है कुछ इमेजेस इन्होंने खींची अब देखो इतना तो नहीं आ, आपको याद रहेगा बट हमको यहां पे जानना है वट बेसिकली इज जेम्स वेब तो ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है मेन्स में भी ये पूछा जा सकता है ठीक है इसका इमेज आप देख लो कि अगर जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है दिस इज ये इस तरीके से दिखता है दिस इज जेम्स वेब टेलीस्कोप अब इसको देखते हैं देखो जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक बात करें तो उस उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हमको जाननी है लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड पहला कि जो जेम्स वेब टेली स्पेस टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है ये आपको याद रखना है ये इसका यूनिकनेस है दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी ठीक है तो यहां पे क्या है कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इससे ज्यादा इसको एडवांटेज क्या है कि ये बेसिकली इंफ्रारेड जो है वो इस्तेमाल करता।, करता है इंफ्रा जो वेवलेंथ है उसका इस्तेमाल करता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो कि उस थोड़ा एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू हबल स्पेस टेलीस्कोप तो यहां पे क्या है कि लाइक ऑब्जर्वेटरी दैट विल कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड द डिस्कवरी ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप विद अ लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज एंड ग्रेटली इंप्रूव सेंसिटिविटी तो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंफ्रा तो ये जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है इंफ्रा पे, पे बेस्ड है जैसे इंफ्रारेड जो वेवलेंथ है तो उस पर बेस्ड है तो ये इंफ्रारेड वेवलेंथ है और ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ जो भी बदलाव होता है उसको डिटेक्ट कर सकता है इट्स इट इज सेंसिटिव तो वी कैन से कि ये बेसिक एडवांटेज है हबल स्पेस टेलीस्कोप का यू कंपेयर विद जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि इस बार प्रश्न भी आपका आया है अगर आप मेंस में देखोगे ना तो इस बार प्रश्न भी इसी एरिया के अंदर जो है वो पूछा गया तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है तो यहाँ पे जो ये लॉन्गर वेव है ये जो लॉन्गर वेव है लाइक ये फैसिलिटेट करता है इंफ्रारेड की गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर लेना इवन जैसे डस्ट क्लाउड्स हैं जैसे मान लो स्टार्स हैं स्टार बनते हैं तो स्टार बनने में आपका जैसे डस्ट क्लाउड्स होते हैं यूनिवर्स में बहुत सारे डस्ट क्लाउड्स होते हैं ऐसे और उसके पीछे स्टार है कोई सोलर सिस्टम है, है या कोई कोई वी कैन से कोई प्लानट है तो बिकॉज ऑफ दिस डस्ट क्लाउड वो दिखेगा नहीं बट क्योंकि जो ये इंफ्रा पर बेस्ड है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये डस्ट क्लाउड को बाईपास करके उसके पीछे क्या है वो भी देख सकता ये का, है ये एडवांटेज है इसका ठीक है वेल यू कंपेयर विद द हबल टेलीस्कोप तो ये जो तरीका है Uh, है ना जो ये तरीका फॉलो करते हैं uh, जो कि बेस्ड है इंफ्रा पे तो इसको इंफ्रा एस्ट्रोनॉमी शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज एंड कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी ठीक है जो इंफ्रा एस्ट्रोनॉमी शब्द भी इसके लिए, लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है तो इन्फ्रा का इस्तेमाल होता है हाई रिजोल्यूशन है सेंसिटिव है दूर की चीजें देख सकता है क्लैरिटी है और इसको बनाने में जैसे नासा भी थी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी इन्होंने मिलकर इस जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसको बनाया लॉन्च किया और डेवलप किया तो ये कुछ टर्म्स जो है वो हमको ध्यान में रखना है इसके गोल्स देखो कैसे हैं गोल्स वही गैलेक्सी पर नजर जैसे इस बार प्रश्न भी था ये पहले भी डिस्कस किया था तो गैलेक्सीज हैं उनको सर्च करना कैसे गैलेक्सी इवॉल्व हुई स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये सब चीज़ें हैं हमारा प्लेनेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है सोलर सिस्टम हमारा किस तरीके से ये सब चीज़ें जो है मिशन मतलब जो भी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर हो रही हैं उनको आपका बढ़िया तरीके से दे हैव टू तो ऑब्जर्व तो जो है वो ऑब्जर्व करना है अच्छा संडे का सेशन आप सभी को पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल सेशन होता है स्पेशल जो सेशन होता है तो उसको ध्यान में रखना है और आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन हेडलाइंस देख रहे हो डेप्थ में आपको पढ़ना है चीजों को जो है यू हैव टू रीड इन डेप्थ डेप्थ के अंदर जो है उस चीजों को टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है जैसे लाइक वी आर डिस्कसिंग क्योंकि प्रश्न जो है ऊपर ऊपर से नहीं पूछेंगे आप देखो नेक्स्ट देखते हैं लेप्रोसी के बारे में ये छोटा सा पॉइंट है तो लेप्रोसी पे ऐसा कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनेगा बट हाँ लेप्रोसी के बारे में थोड़ा प्रेलम्स का एक चीज पता होना चाहिए लाइक वी हैव टू अवेयर ऑफ लेप्रोसी क्या होती है तो देखो यहाँ पे लेप्रोसी की अगर आप बात करो तो इमेजेज है इससे आपको पता चलेगा बीमारी किस तरीके से तो ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है ठीक है तो बाय माइक्रो बैक्टीरिया में लेपराई करके है, इससे आपका कॉज होती है बच्चों को भी ये कॉज होती है और ये मेनली स्किन और इन सब नर्वस ऊपरी हिस्सा लीवर का भी ऊपरी हिस्सा उसको भी ये आपका जो है वी कैन से की अफेक्ट कर सकती है ये जो लेप्रोसी है और बहुत सारी दवाई का इस्तेमाल करके उसको ट्रीट भी आसानी से किया जा सकता है लेप्रोसी बेसिकली जो ड्रॉपलेट है नोज जैसे किसी को है उसके शरीर से दूसरे को ट्रांसफर इजीली आपका हो सकता है और कई सारी केसेस हो रहे हैं तो इसलिए जो डब्ल्यू है सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इस पर जो कंसर्न अपने रेस किए हैं कंटिन्यूस बेसिस में जो कंसर्न है दैट हैज बिन रेज एज वेल ठीक है तो अन में मुझसे जुड़ सकते हैं इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा अन अकेडमी डॉट कॉम में जाना यूपीएससीेक्ट करना कोड डालना एस वी ऐसे ही साइंस एंड टेक के टॉपिक्स होते हैं ठीक है तो ये पूरा भी आपको अगर तेईस की तैयारी कर रहे हो ना तो अभी आई विल कम विद द कोर्स तो आप उसको जरूर से ज्वाइन करो ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप तेईस की तैयारी कर रहे हो चौबीस की कर रहे हो तो इस संडे के सेशन को अच्छे से करते जाओ ठीक है आपको लगभग डेढ़ से दो साल की चीजें कवर करनी है तो अब डेढ़ से दो साल की चीजें ऐसा मतलब शॉर्टकट में कवर हो गए तो बहुत चीजें मिस हो जाती है अच्छे डिटेल्ड वे में चीजें कवर करनी पड़ती हैं साइंस एंड टेक है, है। बहुत सारे एरियाज हैं ऐसे ही प्रश्न आपके आ भी रहे हैं तो दिसंबर से ही जो आपका नेक्स्ट कोर्स आ जाएगा करंट अफेयर्स का जो मेरा है अनकेडमी के अंदर तो अनकेडमी डॉट में जाकर आपको मिल जाएगा साइंस टेक का भी कोर्स आ रहा है वो भी आप लोग एक्सेस कर लेना तो अभी देखो जैसे ये बैच कोर्स भी आपका आ रहा है रफ्तार करके बायोलिंग बैच कोर्स है अभी आपके पास मौका है नवम्बर थर्टीथ तक ठीक है तो इसमें आप ये देखो कि ऑफर प्राइस जो आप लोग देख रहे हो तो ये जो प्राइस आप देखो ना ट्वेल्व मंथ 18 मंथ ये सब जो प्राइस देख रहे हो इसमें आप लोग सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट एक्सेस करोगे ये चीज याद रखना सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट जो है वो आप एक्सेस करोगे ऐसा नहीं कि आप एक एजुकेटर का देख सकते हो सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप एक्सेस करोगे मेरा भी देख सकते हो हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी जितने बैच कोर्स है सब कुछ एक्सेस कर सकते हो तो ये आपको याद रखना कोड यूज करना दैट इज एस पी एल आई वी इस कोड का यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो ये बैच कोर्सेस हैं इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं और भी जितने भी बैच कोर्सेस हैं वो आपको आप एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो ये सब चीजें हैं तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो हम लोगों ने लाइक वी हैव कंप्लीटेड इट तो आ, आज के लिए इतना ही ठीक है सो आप सभी को थैंक यू और आ, है ना थैंक्स है ना तो यहां पे आपको क्या करना है सेशन को लाइक करना है है ना और जरूर से चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यू आई एस चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब करना है तो ये जरूर से आपको ध्यान में रखना है ये दो काम आपके हैं बाकी सारा काम मेरा है दैट आई हैव टू डू तो ये है और 9 पीएम को जो 9 पीएम है आज आपका मेन्स मॉक जो है दैट विल बी देयर मेन्स का जो मॉक है दैट विल बी देयर मेन्स मॉक में जो कि पूरे वी, पूरे वीक में जो हिंदू के टॉपिक्स है ना उस पर पॉसिबल जो, जो मेन्स के क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा अपने आपको तैयार करना पूरे वीक के टॉपिक्स रिवाइज करना 9 पीएम को अपलोड हो जाएगा वीडियो तो उसको अटेम्प्ट करना उसी समय और 40 से 45 मिनट का टाइम देना ठीक है तो ग्रुप आपको आई विल क्रिएट उसमें आप लोग अपने आंसर पोस्ट कर देते रहना ठीक है तो ये चीज है अभी तो आ, मैं एक ग्रुप ओपन कर दूंगा तो उसमें आप लोग जो अपने आंसर पोस्ट करते रहना आंसर पोस्ट करना लिखना है जरूर है ठीक है अन अकेडमी से जुड़ने के लिए कोड याद रखना दैट इज एस पी एल आई वीई ये ध्यान में रखना जो हमारी 9 पीएम प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज है वो मंडे टू फ्राइडे होती है उसका मंडे टू फ्राइडे तो आज के लिए इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू